40 साल से ज्यादा अरसे तक राजकारण करने वाले नेता बानोद जालम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। बानोद जालम सिंह का ताल्लुक जिले आदिलाबाद के नारनूर से था। नारनूर के इलाके में राजनीति के मैदान में नामवर नेता माने जाते थे। एमएलए एमपी तो नहीं थे, लेकिन राजनीति में उनकी पहचान उनसे कुछ कम नहीं थी। 73 वर्षीय जालम सिंह 5 बार स्थानिक सरपंच और तेलुगु देशम के दौर में एमपीटीसी जेडपीटीसी रह चुके हैं। बानोद जालम सिंह निजामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में बुधवार के शाम 6:20 पर अंतिम सांस ली। 2 दिसंबर के दिन नारनौर अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने की वजह से उनको निजामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते जिंदगी से हार गए और आखिरकार उन्होंने 16 दिसंबर की शाम 6:20 पर अंतिम सांस ली। जालम सिंह के 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। उनके पार्थिव शरीर को नारनौर निवास पर लाकर गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। वो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सरकारी आदेश के अनुसार बाहर से आए 4 लोगों की टीम ने अंतिम संस्कार किया। गांव में सही दिशा में कदम उठाने के लिए उन्होंने मंडल वासियों से बहुत करीबी रिश्ता निभाया, इसी कारण पूरे मंडल में लोग शोक की लहर में डूबे हुए हैं। उनके अंतिम क्रिया के टाइम पर कई बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। जिला परिषद चेयरमैन राठौर जनार्दन, डीसीसीबी चेयरमैन नामदेव कामले, बोध विधायक राठौर बापूराव, एक्स एमपी रमेश राठौर, माइनॉरिटी नेता यूनुस अदबानी, अमर सिंह तिलावत व दीगर लोग मौजूद थे। नारनौर से पाशा खान की रिपोर्ट।